दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को एक शानदार बल्लेबाज मानते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऋषभ पंत ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर रचा टेस्ट क्रिकेट में इतिहास। इन दोनों ने इंग्लैंड के खिलाफ आज खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में एक ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर डाली जिसको देखकर इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ गया। आखिरकार कैसे इन सभी बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाए और क्या रही इस मुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये सब तो आपको हम इस वीडियो में दिखाने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप विराट कोहली, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा में से किसको शानदार बल्लेबाज मानते हैं, इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में पहली बार जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय टीम टॉस तो नहीं जीत पाई, लेकिन अब मैच जीतने के पूरे आसार बन रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहे हैं और इंग्लैंड की टीम के नए नवेले कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्यौता दिया। भारत की टीम की तरफ से शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ओपनिंग करने के लिए इन्होंने आते ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुभमन गिल ने तो पारी के पहले ही ओवर में चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही भारतीय टीम को 6 ओवर में 26 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन ये अपनी बल्लेबाजी का जलवा ज्यादा देर तक नहीं दिखा पाए और जेम्स एंडरसन के 7वें ओवर में 24 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। और इनके आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम में बल्लेबाजी करने के लिए हनुमा विहारी मैदान पर आते हैं और इन्होंने काफी समय तक चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। और आपको बता दें कि 18वां ओवर डालने के लिए आए जेम्स एंडरसन ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर चेतेश्वर पुजारा को जैक क्राउले के हाथों कैच आउट करा दिया। इस मुकाबले में इन्होंने 2 चौकों की सहायता से 46 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली और इस प्रकार से अब भारतीय टीम दुविधा में आ चुकी थी क्योंकि भारतीय टीम के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और हनुमा विहारी का साथ देने के लिए विराट कोहली आए और इन्होंने हनुमा विहारी के साथ मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की और इसी दौरान बीच मैदान में बारिश ने भी अपनी दस्तक दे दी और इसके बाद यह मुकाबला लगभग 2 घंटे के लिए रुका रहा और उसके बाद फिर शुरू हुआ। इन दोनों बल्लेबाजों ने 22 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे, लेकिन 23वां ओवर डालने के लिए आए मैटी पॉट्स ने हनुमा विहारी को अपने ओवर की दूसरी गेंद पर LBW आउट कर दिया। हनुमा विहारी ने आपको बता दे कि इस मुकाबले में 1 चौके की सहायता से 53 गेंदों पर 20 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम को तीसरा झटका लग चुका था और इस प्रकार से भारतीय टीम को 3 विकेट का नुकसान हो चुका था और इनके आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और अब ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत इनके साथ यानी कि विराट कोहली के साथ मिलकर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन हनुमा विहारी के आउट होने के तुरंत बाद विराट कोहली भी मैटी पॉट्स की 25वें ओवर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और विराट कोहली इस मुकाबले में ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सिर्फ 19 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में जल्द ही आउट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत ने इस मुकाबले की पूरी समीकरण को ही बदल कर रख दिया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपना शानदार अर्धशतक भी जड़ा और ये अभी भी 102 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों का क्या हश्र किया होगा। अगर हम बात करें ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत ने 83 गेंदों पर 88 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और मैदान पर नाबाद बने रहे। ऋषभ पंत अपनी जगह है पारी में 13 खूबसूरत चौके और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा है और इन्होंने अपने इस ताबड़तोड़ पारी के अलावा टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन भी बनाकर नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हम आपको बता देते हैं कि 37वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज जैक लीच को तो आपने आड़े हाथों लिया ही होगा और ऋषभ पंत ने पहले तो इनके ओवर में लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़े और इसके बाद जब इन्होंने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो इस पर ऋषभ पंत ने आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट में डाउन द ग्राउंड छक्का लगा दिया और इंग्लैंड की टीम की गेंदबाजी पर दबाव बना दिया। इसके अलावा अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर इस मुकाबले में तहलका मचा कर रख दिया और इंग्लैंड की टीम को दिन में तारे दिखा दिए और अभी रविंद्र जडेजा 100 गेंदों पर 44 रनों के स्कोर पर नाबाद खड़े रहकर बल्लेबाजी कर रहे हैं
और वहीं आपको बता दें कि ये अभी तक अपने अनुभव में 6 खूबसूरत चौके जड़ चुके हैं। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच अभी तक 167 गेंदों पर 128 रनों की ताबड़तोड़ पारी साझेदारी पारी हो चुकी है और भारतीय टीम का स्कोर 55 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन हो चुका है। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय टीम को इस मुकाबले में 400 रनों के पार ले जाएंगे आराम से और इसके अलावा अपना अपना ताबड़तोड़ शतक भी पूरा कर लेंगे। वैसे दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमें बताइए कि आप ऋषभ पंत की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे।